हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डुअ। जैसा कि हमने बताया है कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसका सिलेबस हमने पहले डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि हम लोग इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। आपका जो मैथ सेक्शन है, फिर जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन है, और फिर जो बाकी आपके जो जिसमें साइंस आनी है और आपका जनरल अवेयरनेस है, वो सारा सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपका इंग्लिश नहीं आएगा इसमें, और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, जो कि आपका पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और इसमें अप्रॉक्सीमेट 62,000 है, जो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें 2 टाइम्स वो कैंडिडेट्स सेलेक्ट भी करेंगे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए, जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये मिलता जुलता है सेक्शन आपके बैंकिंग की तरह, लेकिन इसमें 10th क्लास या कह लीजिए आप 10th लेवल तक का ही इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग सीरीज, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशंस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज और जम्बलिंग। ये हम 6-7 स्लाइड्स में करेंगे आपका, मीन्स इसमें 6-7 वीडियो आपकी आएंगी, और 2 से 3 दिन के अंदर ही सारा कुछ कवर हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जो कोई भी हम लोग वीडियो डालते हैं इसमें आपको वो नोटिफाई होती रहे। तो आज हम लोग कवर करेंगे एनोलॉजीज। तो जो एनोलॉजी होती है, सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्रिकेट, और उसके सामने दिया हुआ है पिच, तो ऐसा ही सिमिलर जो उसका मीनिंग आ रहा है वैसा ही हमको ऑप्शन इसमें चूज करना होता है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और ये बहुत आसान है, इसमें आप बहुत आसानी से 2-3 मार्क्स यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे क्रिकेट पिच है, तो इनका ये कहना है कि क्रिकेट में पिच होता है, ठीक है। तो उसी तरह हमें ढूंढना है कि यहाँ और कौन सी चीज है जो ये बता रहे हैं। यहाँ पे आप सी ऑप्शन पे देखिए, तो जो व्रेसलिंग ट्रैक दे रखा है, बी में बोट हार्बर दे रखा है, शिप डॉक ए में दे रखा है, और आपका बॉक्सिंग रिंग दे रखा है। तो जैसे क्रिकेट में पिच होती है, वैसा ही देखिए बॉक्सिंग में जो चारों तरफ आपका स्क्वायर में वो बना होता है, जो वो उसको रिंग कहा जाता है जिसमें बॉक्सिंग होती है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन आएगा वो बॉक्सिंग रिंग आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको सारी चीजें पहचाननी है, जो वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपको वहां पे इन्फ्रेंस निकालना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्या होगा। और यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन लिए हैं, जो कि नन ऑफ दीज है, वो वहां पे आपके 4 ही ऑप्शन रहेंगे, तो आप उसको हटा दीजिएगा। या नन ऑफ दीज हमने ऐसे रखा है ताकि आपको जो भी इसमें से ऑप्शन लगता है, कभी कभी नन ऑफ दीज भी होता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन वहां पे आपके 4 ही ऑप्शन आएंगे। फिर कॉफी और बेवरेज, तो देखिए बेवरेज का मतलब होता है कि सारी पीने योग्य जो पदार्थ हैं उसको हम एक कॉमन वे में जो कहते हैं उसको हम कहते हैं बेवरेज। तो बेवरेज के अंदर कॉफी आ गया, टी आ गया, मिल्क आ गया, सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह हमको अब ढूंढना है वो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन पे कॉमन चीज दी हुई है जिसके अंदर उसके सामने वाला ऑप्शन आ जाए। तो बटर ब्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर टी मिल्क आपका नहीं, टी के अंदर मिल्क नहीं आ सकता है, टी एक अलग चीज है, मिल्क अलग चीज है। फिर यहाँ पे देखिए स्नैक्स दिया है और बर्गर दिया है, तो बिल्कुल स्नैक्स के अंदर बर्गर आता है, ठीक है। स्नैक्स के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत से आइटम हम लोग खाते रहते हैं मार्केट में, लेकिन बर्गर भी स्नैक्स के अंदर आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे 4th में दे रखा है वाइन ग्रेप्स, तो वाइन जरूरी नहीं कि ग्रेप्स ही हो, बहुत सी चीजें होती है वाइन का, तो इसलिए यहाँ पे चीज नहीं आएगा, आपका स्नैक्स के अंदर बर्गर आएगा, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं मनी ट्रांजिशन। तो जो ट्रांजिशन होता है वो मेनली मनी में होता है, जैसे आजकल आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि कैशलेस ट्रांजिशन की बातें होती रहती है, तो ये मनी से रिलेटेड है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंज आइडियाज का भी हो सकता है, बहुत सी चीजों का हो सकता है, आर्टिकल्स का भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आइडिया के साथ एक्सचेंज वर्ड आए ही है। लेकिन आपको 4th ऑप्शन में देखिए कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन में बिल्कुल लैंग्वेज की जरूरत होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। लाइफ डेथ से कोई लेना देना नहीं है, वाटर ड्रिंक से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका जो 4th ऑप्शन है कन्वर्सेशन, वो लैंग्वेज फिक्स है, कन्वर्सेशन में लैंग्वेज चाहिए चाहिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही है। फिर देखिए मंगूज स्नेक, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्नेक है वो मंगूज को किल करता है, उनको ईट करता है एक तरह से, तो ऐसा ही ऑप्शन आपको यहाँ पे ढूंढना है कि क्या है। गोट मिल्क बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फिर आपका क्रेन फिश, क्रेन यहाँ पे सारस को कहते हैं,
तो आपको पता है कि जो सारस है वो फिश को खाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। फिर क्रो वेल कोई यहाँ पे मेल नहीं बैठता है, फिर आपका स्काई वाटर कोई मेल नहीं बैठता है, तो आपका ऑप्शन क्या आता है, फिश क्रेब। ठीक। फिर इसके बाद स्टोरी नॉवेल, तो नॉवेल के अंदर बहुत से स्टोरी होता है, इस तरह आप देखते जाओ। ओशन सी, तो हाँ ये ऑप्शन आपको पहले मिल गया कि जो ओशन होता है उसमें बहुत से जब सी मिलती हैं आके तो उसको ओशन कहते हैं। इसी तरह बहुत से स्टोरीज होती हैं तो वो नॉवेल हो जाता है, तो इसलिए आपको ऑप्शन ए यहाँ पे मिल गया। तो यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि स्कूल हो, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी बहुत सी रहती है, जो सिंगल यूनिवर्सिटी रहती है, जरूरी नहीं कि ढेर सारे उसमें स्कूल बिल्कुल यहाँ पे बैठता नहीं है। फिर आपका डिक्शनरी बुक ये भी रिलेट नहीं कर रहा, ड्रामा पोट्री ये भी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ओशन में जब कई सी मिलती है तो उसको ओशन कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। फिर आयोडीन गोइटर, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है गले का, जो आपने देखा होगा कि गले में हो जाता है, घेंगा जिसको कहते हैं हिंदी में, वो होता है गोइटर। तो यहाँ पे डिजीज है कि किसकी कमी से, मीन्स आयोडीन की कमी से जो एलिमेंट है उसकी कमी से गोइटर हो रहा है, तो ऐसा ही हमको ढूंढना है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ये आप सबको पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया इंसुलिन डायबिटीज। फिर कर्नाटका बेंगलोर, तो जो आपका यहाँ पे कर्नाटका है उसकी जो आपकी राजधानी है वो बेंगलुरु है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे राजधानी ढूंढने को कहा जा रहा है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, बिल्कुल आसान आसान रहेंगे, 10th लेवल के ऊपर वो नहीं जाएंगे कि बहुत कठिन दे दिया आपको, दो तीन ऑप्शन फंसा दिया। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन रखे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी आपको आसान लग रहे होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप देखो, हरियाणा सोनपत नहीं, गुजरात आनंद नहीं, मैसूर वृंदावन नहीं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, उड़ीसा भुवनेश्वर। फिर आपका देखिए थर्मामीटर टेम्परेचर, तो जो थर्मामीटर है ये डिवाइस है टेम्परेचर नापने के लिए, इसी तरह आपका जो डिवाइस आता है वो है कार्डियोग्राफ हार्ट रेट नापने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया, तो कंगारू कहाँ पाए जाते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसी तरह देखिए वेल रिवर नहीं, एलिफेंट रशिया है, बिल्कुल गलत है, पेंजिन एंटार्क्टिका, हाँ तो ये एक अलग चीज़ है क्योंकि एंटार्क्टिका में ही आपकी पिंगुइन पाई जाती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये आएगा। अब इंडिया पिकॉक, देखिए इंडिया इन्होंने इधर रखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। फिर हिटलर जर्मनी, हिटलर तानाशाह था, ठीक है, तो वही चीज़ हमको ढूंढनी है कि और कौन ऐसा है, शेक्सपियर इंग्लैंड, शेक्सपियर एक राइटर था तो नहीं आएगा। फिर आपका तुलसीदास जो कि इंडिया में थे वो भी एक राइटर थे तो नहीं आएंगे। बोरिस एल्सटीन रशिया, इनका भी कोई मतलब नहीं है। फिर आपका जो मुसोलिनी इटली है ये भी एक तानाशाह था, आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपका बेसमेंट एटिक, तो बेसमेंट क्या होता है कि सबसे जो लोवेस्ट चीज होती है, पॉइंट होता है, उसको हम बेसमेंट कहते हैं एक तरह से। फिर आपका जो बेसमेंट मीन्स जो नीचे है, कोई कमरा टाइप बना है आप जानते हो कि उसको बेसमेंट कहते हैं। फिर एटिक है उसको हिंदी में, उसको अटारी भी कहते हैं, आप इसको रट भी सकते हैं, एटिक से अटारी, तो ये नीचे का हो गया, ये ऊपर का, जस्ट अपोजिट। तो इसी तरह आप देखोगे कि नैडिर जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो आपका नैडिर कहा जाता है, जो जेनिथ होता है वो सबका जो टॉपेस्ट पॉइंट होता है, जो टॉप का पॉइंट होता है उसको जेनिथ कहते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। फिर हुक फिश, आपने देखा होगा जो कांटा होता है मछलियों को पकड़ने के लिए उसको हुक कहते हैं, और तो इस तरह हुक यूज होता है फिश को पकड़ने के लिए, तो इसी तरह स्टेडियम गेम्स बिल्कुल नहीं, ग्लव बॉल, हाँ ग्लव में देखिए बॉल हम लोग कैप्चर करते हैं, तो आपका ऑप्शन आ गया ग्लव बॉल। मून सैटेलाइट, मून को हम सैटेलाइट श्रेणी में रखते हैं, इसी तरह अर्थ को हम प्लैनेट श्रेणी में रखते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पहले ही मिल गया ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आपका एनोलॉजी, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसा दिया गया इससे कम ही वो बिल्कुल डिफिकल्ट, बिल्कुल आसान आसान रखेंगे, जैसा कि रेलवे में हमेशा ऐसे ही आते रहे हैं। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो हमारा चैनल है डूअर, इसको सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको कोई भी हम लोग वीडियो अभी जो डाल लेंगे आगे, हर चीज़ से रिलेटेड आपके चारों सेक्शन हम लोग कवर करेंगे एक हफ्ते के अंदर ही। आपको बस यही चाहिए कि इसको आप सब्सक्राइब करिए डूअर को, और ये बेल आइकन जरूर यहाँ पे क्लिक करिएगा। और अगर किसी को चाहिए कुछ क्वेरी वगैरह है तो जैसे वो पूछते हैं कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, अगर हमारे जो चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल उससे भी जुड़ना है तो आप वहाँ पे हमें मेंशन करिए, हम आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप बिल्कुल आराम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।